हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो एक DIY वीडियो है और इसमें मैं आपको एक लेगिंग से दो नए तरीके से रीयूज करना बताऊंगी। मेरे फर्स्ट आइडिया में मैं इस लेगिंग से गर्ल शॉर्ट्स बना करके रेडी करूंगी और वो भी बिना स्टिचिंग मशीन को यूज़ करे। जी हाँ, इसमें आपको स्टिचिंग मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फोल्ड लेगिंग है तो आप उसको गर्ल शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ कटिंग के थ्रू। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको अपनी लेगिंग को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, अच्छे से उसको सिलवटे उसकी ठीक कर लेनी है ताकि जब हम मार्क करें तो कुछ भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा कट ना हो। तो इस तरीके से बिछा लेंगे कपड़े को और आपको जितनी लेंथ चाहिए उतने पर आप मार्क कर लें। यहाँ पर मैंने टोटल लेंथ ली है 15 इंचेस, तो आपको जितनी भी लेंथ लेनी है उतने में निशान लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं 15 इंचेस पे प्रॉपर पूरा सीधे सीधे निशान लगा लूँगी। इसके बाद अब आपको जितना एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे मैं फ्रिंजेस कट करूँगी कपड़े से तो उतना मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। लेंथ है इसकी 15, तो ये मैंने एक्स्ट्रा 5 इंचेस ले लिया है, तो आप इतना निशान लगा लीजिए। आपको ज़्यादा बड़ी रखनी है तो आप ज़्यादा बड़ी लगा सकते हो। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड करके ऊपर से ऊपर भी मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें वहीं से ही हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी है जो हमें फ्रिंजेस निकालने हैं। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमने जो निशान लगाया था, देखिए वहीं तक हमको हाफ हाफ इंचेस पे कटिंग करनी है। तो हाफ हाफ इंचेस पे हम इसे कटिंग करते जाएंगे। ऐसे ही इस वाले पार्ट में भी करेंगे और दूसरे वाले पार्ट पे भी कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको इसको ज्वाइंट करके बताती हूँ कि ये कैसे नॉट लगेंगे। आपको क्या करना है, जो पहले तीन उठाने जो हमने कटिंग करी है फ्रिंजेस, तो हम तीन उठा करके जो सेंटर वाला है उसको छोड़ देंगे, तो फर्स्ट और थर्ड वाले को ज्वाइंट कर लेंगे नॉट जैसे हम बांधते हैं ना सिंपल, बस वैसे ही इसमें नॉट बांधनी है लेकिन टू टाइम्स। क्या करना है फिर से बताती हूँ, पहला उठाना है और थर्ड उठाना है, बीच वाले को छोड़ देना है और हमें इसको नॉट बांध देनी है टू टाइम्स, सिंपल बस इतना ही है। और आपको ये पूरे पूरा इसको इसी तरीके से नॉट बांध लेनी है, तो ये खुलेगा भी नहीं और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे में नॉट लगा दिए और शॉर्ट बन करके रेडी हो गई है ना, बहुत सिंपल। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास स्टिचिंग मशीन नहीं है तो भी आप इसे बना सकते हो, अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो भी आप इसे बना सकते हो। तो चलिए अपने नेक्स्ट DIY पे चलते हैं। ये अब मैं जो मैंने शॉर्ट्स बनाई उसके बाद जो बचा खुचा कपड़ा है, अब मैं इससे आपको ग्लोव्स बना करके दिखाऊंगी। बहुत सिंपल ट्रिक है इससे इसको बनाने की। तो आपको क्या करना है, बस अपना हाथ ड्रॉ करना है। देखिए इस तरीके से पूरा हाथ फैला लेना है और आपको बस मार्क कर लेना है हाफ हाफ इंचेस के गैप पर, बस आपको इतना करना है। उसको पूरा ड्रॉ करके हम कट कर लेंगे।
तो देखिए कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। सिंपल सिलाई मशीन से ये स्टिच हो जाएगा, जो आप 14 नंबर की निडल यूज़ करते हो उससे आराम से सिल जाएगा। कोई भी स्टिचिंग में चेंजेस नहीं करने हैं, बस हमें सीधे सीधे सिल लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये स्टिच हो चुका है, और मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से अपने कामों में यूज़ करती हूँ। ये देखिए बहुत कंफर्टेबल है, और मैं प्रॉपर इसमें इसको पहन के यूज़ करती हूँ। और आप इसे मोबाइल भी होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत कंफर्टेबल है ये, और इस तरीके से आप सिक्योर भी रहेंगे, और वैसे भी जो हमारा ये टाइम फेस गुजर रहा है इसमें सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए। तो आई होप ये आइडिया मेरा आपको पसंद आया होगा।